दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जो एक बार जमने के बाद आपको पूरी लाइफ अच्छी आमदनी देता रहेगा। आज हम जानकारी दे रहे हैं कील निर्माण उद्योग के बारे में। फ्रेंड्स, कील उद्योग के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें कच्चे माल और मशीनरी की पूरी जानकारी दी जा रही है, साथ ही आप इस उद्योग को कैसे शुरू करेंगे इस बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। कील निर्माण उद्योग एक लंबे समय तक चलने वाला उद्योग है। कील निर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल के तौर पर नेल वायर की आवश्यकता होती है। नेल वायर का प्रयोग करके विभिन्न तरह के कील बनाए जाते हैं। ये वायर अलग क्रॉस सेक्शन में पाया जाता है, इसलिए ध्यान रखें आप जिस तरह की कील का निर्माण करना चाहते हैं उसके अनुसार ही नेल वायर खरीदें। नेल वायर और मशीन की मदद से कील का निर्माण किया जाता है। कील का निर्माण मुख्यतः दो तरह की मशीन से होता है, एक में कील बनती है और दूसरे मशीन से इसे पॉलिश किया जाता है। ये दोनों मशीन एक सेट में आते हैं। मशीन थोड़ी महंगी होती है, लेकिन एक बार मशीन लगा ली जाए तो लंबे समय तक इससे कील बनाई जा सकती है। ये मशीन पूरी तरह से स्वचालित होती है, जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। मशीन स्वचालित होने की वजह से कील बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। मशीन के सामने वायर का डायर इस तरह से सेट किया जाता है कि वह घूम सके। वायर का एक हिस्सा नेल मेकिंग मशीन में लगा दिया जाता है। मशीन के चलने पर उस वायर से कील खुद ब खुद बननी शुरू हो जाती है। एक मिनट में मशीन से कम 250 से 300 पीस कीले बनती है। इस तरह से एक दिन में 8 घंटे मशीन की मदद से लगभग 500 से 600 किलो कीले बनाई जा सकती है। इसके बाद बारी आती है इन किलो की पॉलिश की। बनी हुई किलो को पॉलिशिंग मशीन में डाला जाता है। पॉलिशिंग से कीले चमकने लगती है। तैयार किलो को मार्केट में बेचने के लिए 5 किलो और 10 किलो के बैग में पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग के लिए जूट के बोरे का प्रयोग अच्छा होता है, ये मजबूत होती है। ध्यान रहे कीले नुकीली होती है, इसलिए इन्हें प्लास्टिक के बैग में पैक न करें, इसके फटने का डर रहता है। अब बात आती है कील उद्योग की मार्केटिंग की। इसकी मार्केटिंग हार्डवेयर मार्केट में की जा सकती है। यदि आप कील निर्माण उद्योग किसी गांव कस्बे में शुरू कर रहे हैं तो नजदीकी शहर के होलसेल मार्केट में सप्लाई दे सकते हैं। यदि आप किसी शहर में कील निर्माण उद्योग शुरू कर रहे हैं तो शहर के होलसेल मार्केट और छोटे बड़े हार्डवेयर दुकान में सप्लाई दे सकते हैं। इसके अलावा शहर के आसपास के छोटे बड़े कस्बों के हार्डवेयर दुकानों में भी इसकी सेलिंग की जा सकती है। कील निर्माण उद्योग शुरू करने के लिए कम से कम 1000 स्क्वायर फीट जगह की और कम से कम 10 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, जिसमें कील बनाने के लिए कच्चा माल, इलेक्ट्रिसिटी सेटअप मशीन आदि सभी कुछ शामिल है। इसमें जगह की कीमत या किराए को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि गांव या शहर के हिसाब से किराए में काफी अंतर होता है। कील निर्माण उद्योग में बचत काफी होती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 किलो कील बनाने के लिए कच्चा माल छोड़ के कम से कम 2 रुपए लागत पड़ती है। यदि सभी तरह के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट छोड़ दिया जाए तो प्रति किलोग्राम पर 5 से 6 रुपए का लाभ होता है। इस तरह से महीने भर में 60,000 से 70,000 रुपए तक की कमाई होती है। कील निर्माण उद्योग शुरू करने के लिए लाइसेंस आदि की प्रक्रिया जरूर पूरी कर ले। कील निर्माण उद्योग इस्पात उद्योग से संबंधित होने की वजह से लाइसेंस लेना बहुत आवश्यक है। लाइसेंस के लिए अपने लोकल अथॉरिटी को आवेदन पत्र दिया जा सकता है। यहाँ से बहुत जल्दी आपको लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको हमारा यह बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। इस बारे में अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्र के साथ। गुड बाय।